रामटेक में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आमदार आशीष जायसवाल और तहसीलदार बाला साहिब मस्के ने उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान आमदार आशीष जायसवाल ने कहा कि मरीजों की संख्या कम करना ही अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्तमान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर उग्र है और इसका प्रभाव शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी महसूस किया जा सकता है। रामटेक तालुका में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विधायक आशीष जायसवाल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप नगर परिषद सुतिका गृह में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है और जल्द ही यह रोगियों के लिए उपलब्ध होगा। वहीं रामटेक में स्वामी सीताराम महाराज अस्पताल में 25 बेड और कीमिया अस्पताल में समर्पित कोविड केंद्र के रूप में 20 बेड है। आशीष जायसवाल ने इस बारे में कलेक्टर से मंजूरी ली। इसके लिए तालुका के मरीजों को थोड़ी राहत मिली है। रामटेक में उपजिला अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ कोरोना रोगियों के लिए 10 बेड पहले उपलब्ध थे, उसके बाद अतिरिक्त 10 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसी जानकारी रामटेक विधायक आशीष जायसवाल द्वारा दी गयी। पाठक हॉस्पिटल मध्ये 10 बेड केले होते, तिथे देखील फुल झाले होते। आता त्या डॉक्टर पाठकच्या हॉस्पिटलला 20 बेड करण्यात आलेले आहेत। स्वामी सीतारामदास महाराज हॉस्पिटलला 25 बेड केले होते, ते एका दिवशी फुल झाले। त्यामुळे आता पेशंटची संख्या कमी करणं हा आपला टार्गेट असला पाहिजे। पेशंटची व्यवस्था करणं आपल्याला अशक्य आहे। मेडिसिन उपलब्ध नाही आहे, ऑक्सिजन सिलेंडर कशा पद्धतीने आता सर्व काल माझी मुख्यमंत्री कार्यालयात व्हीसी झाले, त्यात ऑक्सिजन सिलेंडरची रिक्वायरमेंट सर्व ठिकाणी टोटल इंडस्ट्रियल वापर ऑक्सिजनचा बंद करण्यात आलेला आहे। प्रायव्हेट हॉस्पिटलचे व्हेंटिलेटर प्रोक्योर केले जात आहेत, परंतु जे तालुक्याचे पेशंट आहेत त्यांना नागपूरला न पाठवता त्यांना याच ठिकाणी उपचार करता येईल यासाठी काही डॉक्टरची सुद्धा या ठिकाणी अरेंजमेंट करण्यात आली आहे, नर्सची सुद्धा अरेंजमेंट करण्यात आली आहे, मावशी पासून स्वीपर पासून सिक्युरिटी गार्ड पासून सर्व गोष्टीची अरेंजमेंट करण्यात आलेली आहे। परंतु माझे सर्व जनतेला एवढीच विनंती आहे की पुढचे 20 दिवस आपल्यासमोर खूप आव्हानाचे आहे, त्यामुळे पेशंटनी स्वतःला इन्फेक्ट करून घेऊ नये। इन्फेक्ट झालो तर लाखो रुपयाचा खर्च आपल्यावर बसतो। रामटेक तालुक्यातील सर्व नगर परिषद हद्दीतील आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना विनंती करतो, आवाहन करतो की आज आपण रामटेक शहरामध्ये नगर परिषद बिल्डिंगमध्ये सुतिकागृह येथे 50 बेडे CCC हॉस्पिटल CCC सुरू केलेलं आहे कोविड केअर सेंटर। तरी ज्या रुग्णांना कोमॉर्बिडिटी आहे, शुगर BP आणि इतर वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार आहेत आणि त्यांना कोविड झालेला आहे, त्या रुग्णांनी याचा लाभ याचा जास्तीत जास्त उपयोग घ्यावा आणि इथं क्वारंटाईन व्हावं। आणि आपला तालुका ह्या CCCमध्ये म्हणजे आपला तालुका इन्फेक्शनपासून कोविड-19च्या इन्फेक्शनपासून दूर ठेवावा ही विनंती। बता दें कि हाल ही में आमदार एडवोकेट आशीष जायसवाल ने रामटेक में अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान तहसीलदार बाला साहेब मस्की, कानूनी अधीक्षक डॉक्टर प्रकाश उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार BC News नागपुर।